बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहे रमज़ान मुबारक के पेश नज़र दारुल देवबंद की ज़रूरी अपील। दारुल देवबंद की जानिब से अपील की जाती है कि माहे रमज़ान मुबारक में भी कोविड-19 के सद्देबाब से मुतालिक महकमा सेहत की हिदायत का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। दीगर नमाजों की तरह नमाज तरावी भी हसब मौका व सहूलत कानूनी तहदीदात और मकामी इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक अपने घरों या मसाजिद में बाजमात अदा की जाएं। कोविड-19 का आलमी बहरान रोज़ अफजू है, जो फिक्र व तशवीश का बाइस है। सख्त कानून के तहत लॉकडाउन की मुद्दत 3 मई तक बढ़ा दी गई है। यह एक इस्तेराबी कैफियत है, इसलिए अब और ज़्यादा सख्ती और पाबंदी के साथ महकमा सेहत की जारी करदा एहतियाती तदाबीर गाइडलाइन पर अमल किया जाए। मुल्क में जिन मकामात पर लॉकडाउन कर्फ्यू जैसी सख्त पाबंदी और माशरती फासला सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी करार दिया गया है, वहाँ घरों से बाहर ना निकला जाए और ख़िलाफ़ कानून इज्तिमाआत से हर हाल में इज्तनाब किया जाए। दारुल देवबंद की जानिब से रमज़ान और तरावीह के सिलसिले में अनकरीब तफसीली फतवा जारी किया जाएगा। इस सिलसिले में ज़रूरी मालूमात दारुल देवबंद की वेबसाइट से भी हासिल की जा सकती है। रमज़ान के मुबारक महीने में कुरान करीम की तिलावत, कसरत से इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ और आयत करीमा पढ़ने का अहतमाम करें और अल्लाह ताला से अपने लिए और पूरे आलम के लिए आफ़ियत की दुआ मांगते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब से राज़ी हो जाए और सब पर रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन। वस्सलाम। अबुल कासिम नुमानी गफिर लहू। मुहतमीम दारुल देवबंद, 21 शाबान 1441 हिजरी। हक नगर हक नुमा पेशवा पेशवा ए हबीब।